हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 22 मई 2020, आइए देखते हैं कि करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा की शुरुआत किसने की है। तो महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ होती हैं, जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, तो जो महिलाएं होती हैं उनको शहरी क्षेत्र में जाने के लिए वाहन की आवश्यकता पड़ती है और इस समय उनको काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो इसी के लिए दीदी वाहन सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं मुख्यतः उन्हीं के लिए ये सेवा शुरुआत उसकी की गई है, यानी कि जो उसकी शुरुआत की गई है उन्हीं महिलाओं से की गई है। मध्य प्रदेश की जनपद से इसकी शुरुआत हो चुकी है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और लालजी टंडन हैं यहाँ के राज्यपाल। अगर बात करें मध्य प्रदेश में सरकार के बारे में, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान अभी हाल ही में कुछ महीनों पूर्व यहाँ पर चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी पुण्यतिथि पर। हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। और राजीव गांधी आपको बता दें 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। कब से? 1984 से 1989 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्हीं की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि भारत ने किसके साथ 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों यानी कि जिनके मार्ग हैं उनके संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने किस देश के साथ किए हैं? भारत ने किए हैं बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ किए हैं। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी टका है, यहाँ की राजधानी ढाका है और करेंसी है यहाँ की टका। बात करें प्रधानमंत्री की तो शेख हसीना के प्रधानमंत्री हैं यानी कि पीएम हैं, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद हैं यहाँ के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 टीका निर्माण हेतु भारत बायोटेक किस देश के विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। यानी कि कोविड-19 के टीके के निर्माण के लिए भारत बायोटेक ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है उसके साथ भारत बायोटेक ने समझौता किया है। अब बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और राष्ट्रपति हैं यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। और ये विश्वविद्यालय कौन सा है? ये जो यूनिवर्सिटी है ये इसका नाम है थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय, फिलाडेल्फिया में ये स्थित है अमेरिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। तो चीन ने 80% का टैरिफ किस देश के निर्यात पर लगाया है? ये ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर लगाया है। किसके देश के? ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर लगाया है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, और जो यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की वह है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अब बात हम चीन की करें क्योंकि चीन का भी यहाँ पर जिक्र है, क्योंकि चीन ने ही इस निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है। अब बात चीन की करें तो चीन की जो राजधानी है वह है बीजिंग और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वह हैं शी जिनपिंग, और जहाँ की करेंसी है वह है रेनमिनबी। कहाँ की? चीन की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक और भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में विश्व बैंक यानी कि द वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के साथ कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 700 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच। ठीक है, अब बात अगर हम विश्व बैंक की करें यानी कि वर्ल्ड बैंक की करें तो स्थापना इसकी जुलाई 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय इस्पात संघ ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उम्मैन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको? दिलीप उम्मैन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो थॉमस थाबाने ने इस्तीफा दिया है अपने पद से, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये जो थॉमस थाबाने हैं ये लेसोथो के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? लेसोथो के। कहाँ के? लेसोथो के प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात लेसोथो की करें तो एक इसकी राजधानी मैसूरू है। क्या है? मैसूरू इसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता हेतु, यानी कि मनोवैज्ञानिक उनको सहायता प्रदान करने के लिए छात्रों यानी कि स्टूडेंट और टीचर्स और परिवार जो है फैमिली जो है उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के लिए मनोदर्पण की शुरुआत की घोषणा किसने की है? मनोदर्पण यानी कि जो संबंधित है अधिकतर वो मनोवैज्ञानिक से ही संबंधित है, यानी कि हमारी जो मानसिक संतुलन है हमारा वो बना रहे, मानसिक स्थिति हमारी सभी की अच्छी रहे, तो मनोदर्पण शुरू करने की घोषणा की है निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण की बात करें तो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। कौन है? वित्त मंत्री हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत कितने किलो प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि कितने किलो प्रति माह, हर महीने कितने किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, कौन सी योजना के अंतर्गत? आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत। तो 5 किलो प्रत्येक माह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, कितना? 5 किलो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना महामारी के कारण 1 साल तक किसी भी नया दिवालिया मामले को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये घोषणा किसने की है? कोई भी अगर नया दिवालिया मामला सामने आता है सरकार के, तो 1 साल तक के सरकार उसको स्वीकार नहीं करेगी, यही कोरोना महामारी के कारण सरकार ने फैसला लिया है। तो ये घोषणा किसने की है? ये की है वित्त मंत्री ने। और वित्त मंत्री कौन है भी आपको बताया है, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। गृहमंत्री की बात करें तो गृहमंत्री कौन है? अमित शाह। स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। यहाँ पर लिखा हुआ भी है वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को कब तक बढ़ाया गया है? कब तक बढ़ाया गया है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को? इसको कहा जाता है PMVVY, ये भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PMVVY। तो इसको बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2023 तक। कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2023 तक। ये वरिष्ठ नागरिकों को एक प्रकार से पेंशन दी जाती है, आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। तो 31 मार्च 2023 तक इसको बढ़ा दिया है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।